मैं आज से पहले कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का अनुरोध किए, लेकिन कभी उसका रिस्पॉन्स एप्लीकेशन का नहीं हुआ। मेरे बेटे का हत्या बेंगलोर में हुआ है और सरकारी स्तर से मैं मदद के लिए, कि जहाँ पे मदद मिले मैं उनसे अनुरोध करना चाहता, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला। इसके अतिरिक्त वह क्रिमिनल गैंग जो मेरे बेटे का मर्डर किया है, मेरे घर में पटना में आग लगा दिया दिन दहाड़े, और आग लगाने के बाद कई तरह तरह से हमें मार देंगे, काट देंगे, बस्ती से निकाल देंगे, हमेशा ये धमकी देते रहता है। इसमें मेरे निजी सगे भी जुड़े हुए हैं और अनेक बाह्य व्यक्ति हैं। टेलीफोन का जितना टैपिंग है वो करके मैंने डीजीपी साहब तक से अनुरोध किया, सीनियर एसपी अनुरोध किया, डीआईजी साहब से अनुरोध किया, आईजी साहब से अनुरोध किया, लेकिन कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। सारे एप्लीकेशन थाने में जाके दबे रह जाते हैं और जाँच नहीं होता है। जो जाँच होता है सिर्फ इतना ही होता है कि अपराधियों को कैसे बचाया जा सके। मैं निवेदन करूँगा कि इस मैटर को उठाया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए मीडिया के माध्यम से, ताकि मेरे बेटे के हत्यारा और यहाँ जो अग्निकांड में हमारे घर जलाने में जो 20-25 ग्रुप में जलाए हैं, साक्ष्य मिटाने के लिए जलाने के लिए जो मेरे बेटे का मर्डर का साक्ष्य था, वह सामने आ सके और यह गैंग पकड़ा जा सके। यह गैंग एक बहुत बड़ा गैंग है जिसका टेप मार देंगे, काट देंगे, चमड़ी उधार देंगे। मैं बार बार अपने प्रसाद कैसेट बना करके दिया हूँ, लेकिन जहाँ के तहाँ दब के रह जाता है। अनुरोध करूँगा कि इस कांड का उद्भेदन कराने की कृपा की जाए, क्योंकि कहीं कोई नहीं सुनते हैं, सब एप्लीकेशन दाब के रख देते हैं। जी प्रशासन के पास आपने कंप्लेंट किया होगा, क्या कह रहे हैं? मैंने थाना को दिया, डीएसपी को दिया, डीआईजी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, डीजीसीपी साहब को, मैं मिल कर करके 5 जनवरी को इस बार दिया, चूँकि नीचे से सब एप्लीकेशन दब जाता है। दूसरा एप्लीकेशन पुनः 24/3 को दिया, वह भी थाना गया, लेकिन कहीं कोई सुनने को तैयार, बस रख दिया जाता है। क्योंकि अगर इसको उजागर की जाएगी तो अपराधी पकड़े जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अपराधी को नहीं पकड़ा जाना है तो छोड़ दिया जाता है। जाँच ही नहीं होती है, जो जाँच होता है उसमें दिन का रात लिखा जाता है। मैं डॉक्यूमेंट के साथ भी दिया है और वॉइस भी रिकॉर्डिंग कर करके दिया है कि हमें इस तरह का अननोन फोन से, मैंने फ़ोन का नंबर भी दिया है, लेकिन कहीं कोई जाँच नहीं होती है। पटना में कहाँ से आए? मैं पटना नदी थाना से बिलोंग करता हूँ, सबलपुर मेरा घर है।